हेलो बॉयज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक न्यू बाइक आ रहा है, क्योंकि शॉक वेव हमने सेल कर दिया है। हायाबुसा अब अपने नए ऑनर के पास चला गया है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं रिवील करूंगा अपना न्यू सुपर बाइक एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बाइक। इस बाइक को आप पहले मेरी एक वीडियो के अंदर देख चुके हैं, मैंने इसकी राइड भी की थी, मगर आज इस बाइक को मैं रिवील करने लगा हूँ। और आज इंशाल्लाह मैं इवनिंग के अंदर इस बाइक के ऊपर लाहौर में एक छोटी सी राइड पे भी जाऊँगा, ताकि मैं आपको इस बाइक का एक छोटा सा इंट्रो दे सकूँ। उसके बाद इंशाल्लाह ये बाइक हमारे पास भावलपुर चला जाएगा, वहाँ हम इसको हाईवेज पे चलाएंगे, सिटी राइड्स और ट्रैक पर भी लेके जाएंगे। H2R के साथ मुकाबला करने के लिए ये बाइक आ रहा है। ऑब्वियसली आप लोग इस बात में हंस रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि H2R हम हर बाइक लेते हैं और कहते हैं H2R के साथ मुकाबला होगा, मगर उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मगर ये भी उसको टक्कर देने के लिए आ रहा है बाइक, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी का सबसे फास्टेस्ट बाइक है। 1000 cc के अंदर इट्स ट्यून्ड एंड इट्स हाईली ट्यून्ड बाय द कंपनी और बहुत तेज़ बाइक है। पहले आप ये बाइक देखें, उसके बाद इवनिंग राइड पे जाएंगे, उसमें फिर मजीद गपशप करूंगा कि इस बाइक को लेकर आगे के क्या प्लान्स हैं। नहीं जी, फर्स्ट राइड भी शुरू होने लगी है एज प्रोमिस्ड ऑन दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कावासाकी ZX10RR। इस तरफ C63 AMG का काम हो रहा है, कुछ हीट प्रोटेक्शन शीट लगा रहे हैं इसके ऊपर, और क्या खूबसूरत खूबसूरत मशीन है ये। अभी चलते हैं जी, एक शॉर्ट सी राइड करते हैं। और अभी मैंने, हाँ मैं एक बात तो बताना भूल गया, इस बाइक को लेने के बाद मैंने इसके अंदर ब्रांड न्यू स्प्रिंट का एयर फिल्टर डाला है और मैंने इसके अंदर ब्रांड न्यू प्लग्स डाले हैं, तो होपफुली उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं राइड कैसी है। अभी मेरे पास ग्लव्स वगैरह नहीं है, क्योंकि छोटी सी राइड है। ओके बेबी, फ्यूल की लाइट भी जल रही है। ओह डबल R। RPM पे, इवन 5000 RPM पे ठीक है, उसके बाद जैसे ही RPM ऊपर जाते हैं इसे पता नहीं कुछ हो जाता है। वैसे इसमें क्विक शिफ्टर भी है, मैं जरा क्लच यूज कर रहा हूँ ट्रैफिक की वजह से। यार क्या कमाल चीज है ये। H2R, get ready baby, something fast is coming your way. ट्रैफिक काफी ज्यादा है, मैं ज्यादा थ्रॉटल नहीं दे पा रहा इसे, मगर मैं समझ रहा हूँ इसे, ये क्या चाह रहा है मैं समझ रहा हूँ। Baby,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मशीन। मैंने जब लास्ट टाइम भी इस बाइक को राइड किया था तो मैं तब भी ये बात कर रहा था कि जो डबल आर्स है ना, ये S1000s वगैरह को, जो नए वाले हैं, जो पुराने वाले हैं, उनको तो ये ब्रेकफास्ट में खा जाएगा। दिस बाइक इज स्टूपिड फास्ट। अब ये हाईवेज के ऊपर कैसा बिहेव करता है, ये ट्रैक के ऊपर जाके S2R के साथ कैसा बिहेव करता है, ये तो तभी पता लगेगा। अभी तो हम सिर्फ इसे ट्रैफिक में चेक कर रहे हैं। ओह बेबी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है भावलपुर में। क्या बात है, नाइस ब्रेक्स। साउंड कैसा लगा है आपको टेलर्ड फिट का? ये तो वैसे आप जब इसको ट्रैक पे भागता हुआ देखेंगे, इसके जब फ्लाई बाइज आएंगे H2R के साथ, जब हाईवेज पे इसके रन होंगे, तब आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अभी तो बड़े लो RPMs पे चला रहा हूँ बाइक। कावासाकी की भाई जो ट्रेडमार्क एक चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई हीट नहीं है। हालांकि मैं इस टाइम कोई 39-40 टेम्परेचर तो होगा बाहर, उसके अंदर मैं चला रहा हूँ, ट्रैफिक में चला रहा हूँ, मेरी टांगों में कोई, नीचे से इंजन से कोई हीट नहीं आ रही, सुकून की राइड है। ये बाइक कहता है बस मुझे आप होटल दें और छोड़ दें, फिर देखें क्या होता है। अमेजिंग अमेजिंग, मैं देखना चाहता हूँ इस बाइक को हाईवे के ऊपर और ट्रैक के ऊपर, मैं इसका हाई एंड देखना चाहता हूँ। आपकी सोच है कि इस टाइम कितनी तलब हो रही है मुझे। एम्प्टी रोड की, मगर खैर इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी कल तो मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ लाहौर से, इस बाइक को अपने साथ लेके। इंशाल्लाह आप वो भी रास्ते में हमारी गपशप की वीडियो देखेंगे, इस बाइक के बारे में बातें करेंगे, हम फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा, आपको सुन के इंशाल्लाह मज़ा आएगा। फिर उसके बाद हमारे 10RR पे ब्लॉग शुरू होंगे भावलपुर में। माई न्यू मशीन ब्यूटी ब्यूटी माशाल्लाह। Mm-hmm.
एंड आई एम बैक। ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त बॉयज। इंशाल्लाह कल इसको रवाना कर रहे हैं और फिर चलते हैं 10R वर्सेस H2R कमिंग सून इंशाल्लाह।